आखिर कौन थे वो योद्धा जो कर्ण का कवच और कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकते थे? आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ा जा सकता था? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल, अगर जिन्हें कर्ण धारण किए रहते तो कर्ण की मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में ऐसा कोई योद्धा था जो कर्ण के कवच और कुंडल भेद सकता था? क्या कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपास्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई ऐसी शक्ति या ऐसा अस्त्र था जो कर्ण के कवच कुंडल सहित कर्ण का वध कर पाए? जैसा कि हम कई सारे वीडियोस में कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल कितने शक्तिशाली थे। कहते हैं कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे जिन्हें केवल दैविक शक्तियों से ही निरास्त किया जा सकता था, और ये कवच और कुंडल कर्ण को एक महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की रक्षा करता था, तो वहीं कुंडल उनके अंदर स्फूर्ति और तेजी भरते थे, जिस वजह से वो हमेशा फूर्तिवान रहते थे और बिना थके हुए कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत उनके अंदर थी। यहाँ तक कि वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर पेश किया था, क्योंकि उस समय उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व पर अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेह वंश रात को सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। ये जो समय था जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था, उसी समय उन्होंने सपने में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वे बोले, हे कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम अपनी अभीष्ट वस्तु भी उन्हें दे देते हो, इसलिए उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने कवच और कुंडल मत देना। क्योंकि कर्ण, अगर तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु सील हो जाएगी, तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर भी रण में शत्रुओं के लिए अवज्ञ बने रहोगे। मेरी इस बात को समझ लो कर्ण, ये दोनों कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो तुम इन दोनों अस्त्रों की रक्षा अवश्य करना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः सुरवीर अर्जुन युद्ध में कभी ना कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कवच और कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकता। भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने क्यों ना आ जाए। इसलिए कर्ण, अगर तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कवच और कुंडल कदापि न देना। तो सूर्य देव के अनुसार कवच और कुंडल के रहते किसी का भी कर्ण को मार पाना असंभव था, और कवच और कुंडल छीन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। वहीं महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में घटित घटना के अनुसार एक बार घटोत्कच को कर्ण के द्वारा मारा गया था। ये देखकर समस्त पांडवों की आंखों में शोक के आंसू भर गए थे, परंतु वहीं भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष और मगन होकर उनकी तारीफ कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को रोककर हर्ष से झूमकर नाचने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न होता हुआ देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न होकर बोले, मधुसूदन,
घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए शोक के अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको बेखामखा अतिक हर्ष क्यों हो रहा है? जनार्दन, आपको जो ये खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा तो कारण नहीं होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे यथार्थ कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर हम तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझे। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया और सौभाग्य से ही उसके कवच और कुंडल छीन लिए गए और सौभाग्य से ही उसकी वो वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर गिरते ही उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि पर देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर कवच और कुंडलों से नर श्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते। तुम्हारे हित के लिए कर्ण से दोनों कवच और कुंडल इंद्र ने माया से हर लिया और उसे कवच से भी वंचित कर दिया, लेकिन कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने उन्हें वास्तविक शक्ति दी जिसका उपयोग वो तुम पर ही करता, लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया जिस कारण घटोत्कच पर ही उसको वास्तविक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब इस वृत्तांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कवच और कुंडल रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ये बात केवल और केवल सूर्य देव का वरदान रखने के लिए कही थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पाशुपास अस्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्य देव की कृति को भस्म नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि अमृत धारण कर चुके देव भी नहीं। सुदर्शन चक्र के समक्ष अवध्य नहीं है और वही भगवान शिव ने पाशुपास अस्त्र दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि इस पाशुपास अस्त्र के बारे में देवराज इंद्र भी, यक्ष राज कुबेर, वरुण अथवा वायुदेव भी नहीं जानते। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, सभी प्राणी त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। इसका प्रयोग तो मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष के द्वारा कर सकते हो और इनमें से चाहे जैसा भी इसका आह्वान हो शत्रु का नाश होना निश्चित है। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि अपमन्यु श्री कृष्ण से पाशुपास अस्त्र तथा कुछ इस तरह व्याख्यान करते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का विनाश करने वाला पाशुपास अस्त्र भी ब्रह्मा, अग्नि, नारायण, इंद्र और वारुण को अस्त्रों से भी बढ़कर शक्तिशाली है। वही भगवान शिव के भुजाओं से छूटते ही सब प्राणियों सहित त्रिलोकों को आदि निवेश में ही भस्म कर देता है। उसके द्वारा महादेव के क्षण भर में ही तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया था। वो श्रेष्ठ अस्त्र प्राण गोपनीय है, उसके समान अथवा उससे बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। वही दोस्तों, इस बात से तो साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपास शस्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, जो कर्ण के कवच और कुंडल भेज सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे, लेकिन अब बात करते हैं इसके अलावा भी कौन से आखिर वो अस्त्र थे जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और उसका विनाश कर सकते थे। कहते हैं इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, ये दोनों ही अचूक तथा अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वो ये है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। इसलिए इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था और कुछ ही समय में पांडव की एक
अक्षौणिक सेना को नष्ट कर दिया था। अगर श्री कृष्ण उस समय सबको नतमस्तक करने को न कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। वहीं भगदड़ में अर्जुन पर वैष्णव वस्त्र चलाया था, तो उस समय अर्जुन को ओत करके भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। तो उससे ये भी साबित होता है कि नारायण के दो अस्त्र यानी वैष्णव अस्त्र और नारायण अस्त्र कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। अब आप भी ये सोचेंगे कि आखिर कोई कवच और कुंडल को कोई कैसे तोड़ सकता है, तो रामायण काल में इसका एक उदाहरण मौजूद है। कहते हैं रावण के तीसरे पुत्र यानी अतिकाय के पास भी दिव्य कवच था जो उसे ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था, और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उसे स्वयं ब्रह्मास्त्र से ही तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी करते परंतु महाभारत में जो जो वर्णित है हम केवल उसी के आधार पर माने तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन से कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा कि अगर वे कर्ण पर महाप्रलयकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था सूर्यदेव की मान और कीर्ति को सीधी तौर पर चुनौती दी जाए, और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ये सब पहले ही रोक दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, ऐसे में वो अपने त्रिशूल के एक प्रहार से कर्ण के कवच और कुंडल को आसानी से तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट टू ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।